नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या इंपॉर्टेंस होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का और क्या डिफरेंट टाइप की कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट से। द एक्ट ऑफ प्लेसिंग कैपिटल इनटू अ प्रोजेक्ट और बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट ऑन द इनिशियल प्लेसिंग ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एक एक्ट होता है कैपिटल, मतलब कि पैसों को प्लेस करने का किसी बिजनेस में, किसके इंटेंशन से? प्रॉफिट बनाने के इंटेंशन से। ठीक है, कैपिटल हम लगा रहे हैं तो उससे हमें प्रॉफिट आना चाहिए। इस इंटेंशन से अगर बिजनेस में कोई पैसा लगा रहा है तो उसे कहेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट। द टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैज टू यूसेज इन बिजनेस। फर्स्टली, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू मनी यूज्ड बाय अ बिजनेस टू परचेज फिक्स्ड असेट्स सच एज लैंड, मशीनरी और बिल्डिंग्स। सेकेंडरी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू मनी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस विद द अंडरस्टैंडिंग दैट द मनी विल बी यूज्ड टू परचेज फिक्स्ड असेट्स रदर देन यूज्ड टू कवर द बिजनेस डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट दो तरीके के हो सकते हैं किसी बिजनेस में। फर्स्ट वो हो सकता है कि हम डायरेक्ट फिक्स्ड असेट्स में पैसा लगा रहे हैं। फिक्स्ड असेट्स क्या क्या हो सकती है? लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग। और दूसरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो हो सकता है कि हम पैसा लगा रहे हैं किसी बिजनेस में ये जानते हुए कि वो पैसा फिक्स्ड असेट्स को खरीदने में काम में लिया जाएगा, ना कि डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पूरा करने में। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब यही हो गया कि जो पैसा फिक्स्ड असेट्स को खरीदने के लिए लगाया जाए किसी बिजनेस में। ओके, अभी आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस देखेंगे हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की क्या क्या होती है। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट का ऑफकोर्स ये बात है लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा। अगर फिक्स असेट्स आप खरीद रहे हो कैपिटल इन्वेस्टमेंट से तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखाई देगा बिजनेस पे कि वो फिक्स असेट्स लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न दे रही है। सेकेंड है एक्सपेंशन। अगर कोई कंपनी या बिजनेस अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, अपनी बाउंड्रीज को वाइडन करना चाहता है, अपने स्कोप्स को बढ़ाना चाहता है, तो वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे पैसा लगा सकता है। तो एक तरह से कहा जाएगा कि वो अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है। ओके, थर्ड है रिप्लेसमेंट। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिप्लेसमेंट के लिए भी जरूरी होती है। जैसे कि अगर कोई फिक्स्ड असेट्स या मशीनरी सही नहीं है, खराब हो गई है, तो उसको रिप्लेस करना है, तो उसको भी हम कहेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो रिप्लेसमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फोर्थ है अदर इंपॉर्टेंस। अब इसकी अदर इंपॉर्टेंस भी होती है, ये तीन तो होती है मेन इंपॉर्टेंस, अदर इंपॉर्टेंस भी होती है। इसके अंदर आ जाता है प्लांट फॉर सिक्योरिंग फंड्स। अभी कोई कंपनी प्लांट में पैसा लगा रही है फंड को सिक्योर करने के लिए अपने। जो भी उसके पास फंड्स हैं वो क्या करेगी, लिक्विड फॉर्म में तो रख नहीं सकती, तो प्लांट की फॉर्म में रखेगी, वो प्लांट खरीद के रख लेगी। तो सिक्योरिंग फंड्स के लिए प्लांट में पैसा लगाना। रिटेन ए कम्पेटिटिव पोजीशन। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से क्या होगा, कम्पेटिटिव पोजीशन बनेगी एक मार्केट में। सेल्स एंड कैश फोकास्ट करना पड़ेगा उसके लिए हमने। हम भाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा रहे हैं तो सेल्स और कैश फोकास्ट भी तो करना पड़ेगा हमने कि क्या फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, उस हिसाब से हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएंगे। फोर्थ है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स एंड लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हम ये भी करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की, कंपनी के पास क्या क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उस हिसाब से हमने अपने फिक्स्ड असेट्स खरीदनी है और नए प्रोडक्ट्स कैसे कैसे बनाने हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के। अभी आ जाता है टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एक कंपनी में कितने तरीके की कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। अब ये टाइप कुछ मैंने कैटेगरी के हिसाब से कर रखे हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी के हिसाब से आ गया फिजिकल असेट्स, मॉनेटरी असेट्स एंड इंटेंजिबल असेट्स। एट द सिंपलेस्ट लेवल कैपिटल इन्वेस्टमेंट मे बी क्लासिफाइड एज फिजिकल, मॉनेटरी एंड इंटेंजिबल। फिजिकल असेट्स आर टेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स एंड कंप्यूटर्स। मॉनेटरी असेट्स आर फाइनेंशियल क्लेम्स अगेंस्ट सम पार्टीज। मॉनेटरी असेट्स क्या क्या हो सकते हैं, डिपॉजिट्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स, ये सब मॉनेटरी फॉर्म में जो होते हैं। और इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स आर नॉट द फॉर्म ऑफ फिजिकल असेट्स और फाइनेंशियल क्लेम्स। They represent outlay on research and development, training, marketing development, franchises, and so on that are expected to generate benefits over a period of time. तो first category simplest form के हिसाब से physical, monetary और intangible assets हो गई। Second category के हिसाब से होंगी capital investment may also be classified as strategic investment and tactical investment. A strategic investment is one that has significant impact on the direction of firm. अब strategic investment वो हो गई जिनका इम्पैक्ट होगा, जो डायरेक्शन है ना फर्म की उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, जो डायरेक्शन चेंज हो सकती है अगर स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट इज मीन टू इम्प्लीमेंट अ करंट स्ट्रेटजी एज एफिशिएंटली और एज प्रॉफिटेबली एज पॉसिबल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफन क्लासिफाइड बाय कंपनी इन डिफरेंट कैटेगरीज फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल, व्हाइल द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मे वेरी फ्रॉम वन फर्म टू अनदर। द फॉलोइंग कैटेगरीज
are found in most classification: mandatory investment, replacement investment, expansion investment, diversification investment, research and development investment, and miscellaneous investment. A mandatory investment is a capital expenditure required to comply with statutory requirements. Examples of such investments are a pollution control equipment, a firefighting equipment, a medical dispensary, etc. A replacement investment is meant to replace worn out equipments with new equipments. An expansion investment is meant to increase the capacity of cater growing demand. A diversification investment is aimed at producing new product or service or entering into new geographical area. Research and development investments are meant to develop new products and process which would sharpen the technological edge of the firm. Finally, miscellaneous investment represent the catch-all categories, includes items like interior decoration, recreational facilities, landscape, gardens. तो ये सारी capital investments होती हैं, ठीक है? आप समझ गए होंगे? नहीं समझे तो मैं एक-एक line में बता देता हूँ. Physical assets हो गई, जो मतलब tangible form में होती है. Monetary assets हो गई, जैसे मान लो आपको bonds हो गए, securities हो गई, ये सारी monetary assets में आ गई. Intangible assets क्या हो गई? Intangible assets में investment का मतलब हो गया training करवा लो, research and development में जो जा रही है investment, franchisees में जा रही है, ठीक है, जिससे हमें benefit मिलेगा. Strategic investment वो investment होती है जिसमें firm की direction को affect करती है जो investments. और tactical investment वो investment होती है जो current strategy को implement करने में काम आती है. Mandatory investment जो mandatory होती है, करनी ही करनी है. Replacement investment कोई खराब हो गई machinery उसको replace करने के लिए जो investment है. Expansion करने के लिए एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट. डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हो गया न्यू प्रोडक्ट और सर्विस में डील करना. रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट ले रहे तो उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट. मिसलेनियस इन्वेस्टमेंट में आपके आ गई जो, जैसे कि मैंने बताया था, इंटीरियर डेकोरेशन, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, लैंडस्केप, गार्डन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो बाकी बच जाती है वो मिसलेनियस इन्वेस्टमेंट में आ जाती है. ओके, तो यही था इस वीडियो में. होप आप समझ गए होंगे क्या कंसेप्ट होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स का, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है और क्या इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं. भाई ये टाइप्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इनके रट्टे लगा लो, कैसे भी याद कर लो इन सारे टाइप्स को. तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में. अगर अभी भी इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और लाइक कर ही देना इस वीडियो को, पसंद आई गई होगी. सब्सक्राइब करना भूलना मत चैनल को एकदम, ठीक है? सब्सक्राइब अभी कर ही दो पहले, भूल जाओगे नहीं तो बाद में. ओके, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.